हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर कॉम्प्यूएज इन्फोकॉम के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू देखें तो वो 1% की उसने ग्रोथ बताई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 1137 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो उसने 2% की ग्रोथ बताई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में 2% की कंपनी ने ग्रोथ बताई और 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। तो क्वार्टरली वाइज देखें तो कंपनी के फ्लैट रिजल्ट से रेवेन्यू, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 12% की ग्रोथ बताई है, और साथ ही में नेट प्रॉफिट अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 26% की ग्रोथ बताइए। तो अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें, मतलब पिछले दिसंबर के क्वार्टर से ये दिसंबर का क्वार्टर कंपेयर करते तो 26% की ग्रोथ बताइए, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है कंपनी की, मतलब रेवेन्यू और क्वार्टरली वाइज नेट प्रॉफिट है, और तो ये सब कंपनी के फ्लैट है। तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये कंपनी के रिजल्ट्स देख के। अब यहाँ पर 5-year हाई की बात करें तो 65 रुपीज़ का, और करंटली 40.05 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है, और आज ये लोअर सर्किट पे था, आई मीन 3.96% डाउन था। तो यहाँ पर या तो ये फ्लैट ट्रेड करेगा या ये फिर लोअर सर्किट मारना स्टार्ट कर लेगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे लगे ये तो आप अपने रडार पे इस शेयर को रख सकते हो, ओके। और इसके अलावा और भी ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप उन शेयर्स में देख सकते हो और वो शेयर्स को अपने रडार पर रख सकते हो। आई होप आपको कॉम्प्यूएज इन्फोकॉम के Q3 के नंबर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।